हेलो माय ब्यूटीफुल क्वींस। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे अपने ट्विन को ये समझाएं कि हम लोग जो है ना वो इस कनेक्शन में हैं, और अब हमें जो है ना मिलके जो है एक दूसरे की सोल को मतलब हम तो हैं ही एक सोल, और अब हमको जो है ना मोक्ष की तरफ जाना है, या हमें जो है ना यूनियन की तरफ जाना है, जहाँ पर हमारा जो है ना यूनियन होगा और हम लोग जो एक हो जाएंगे सोल लेवल पे। तो इस पे बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे जो है ना इसमें मुश्किल पार्ट है और कंफ्यूजिंग पार्ट भी है इस कनेक्शन के अंदर, कि हाउ टू टेल योर ट्विन। ओके, तो ठीक है, कैसे बताओगे ये चीज? एक दिन फोन उठाओगे आप और उसको बोलोगे कि हाँ सुनो सुनो, हमारे बीच में ना ऐसा ऐसा कनेक्शन है, हम लोग एक आत्मा है और दो शरीर हैं, और सदियों पहले हम लोग अलग हो गए थे, और आज जो है ना मुझे ये चीज रियलाइज हुई है, और अब जो है तुम भी उठो, अब तुम्हारे उठने का टाइम आ गया है, और तुम्हारे ये जो चीजें हैं ना जानने का टाइम आ गया, और अब तुम भी उठो और अपना इनर वर्क, अपने जो है ना सोल पे जो उस पे ध्यान दो, अपनी सोल को जगाओ और अपने इनर वर्क पे लग जाओ तुम, अपनी आत्मा को उच्च करने की कोशिश करो। और ठीक है, फिर आप एक चमत्कार की उम्मीद करते हो कि आपने ऐसा कुछ बोला और फिर है ना सामने वाला ऐसे कैसे आपकी जो है ना आपको फॉलो करेगा। एक दिन आप गए, वो सोया हुआ है, उसको आपने जगाया और बोला कि चलो ठीक है, मैंने अपना इनर वर्क स्टार्ट कर दिया, तुम भी उठो और अपना इनर वर्क स्टार्ट करो, और वो उठेगा आंखें मलता हुआ और फिर अपने इनर वर्क पर लग जाएगा। ठीक है, इतना इजी नहीं है गाइस। ठीक है, नो डाउट उसको भी ये कनेक्शन फील हो रहा है, इसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है कि सेम फीलिंग्स, जो सेम जो तूफान इधर है ना वही तूफान उधर भी मचा हुआ है, क्योंकि आत्मा एक है। तो जैसा आप फील करते हो वैसा ही वो भी फील करते हैं इस मैटर में, मतलब इस वाले कनेक्शन में जो है ना यही बात है कि आत्मा ही एक है, तो जो आप फील करोगे वही सामने वाला भी फील करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जितना हो सके ना आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप दुखी हो तो सामने वाला भी दुखी आप हो रहे हो, नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है और सफर सामने वाला करता है। ठीक है, तो आपने बोल दिया, एक दिन आपने सोचा अब चलो ठीक है बहुत हुआ मेरी तरफ से, अब मुझे उसको भी बताना चाहिए, उसको भी तो कुछ करना चाहिए, वो भी तो कुछ करे। तो आपने भैया फोन उठाया और उसको बताया कि ये चीजें मुझे समझ आई है हमारे कनेक्शन के बारे में, आप तुम भी समझ लो और उठ जाओ और लगो इस काम में। ठीक है, नो डाउट वो भी कनेक्शन फील कर रहा है, लेकिन आप सोच के देखिए कि आपने अचानक से एक दिन उसके ऊपर ये धमाका कर दिया, तो वो जो पार्टी है वो आपके बारे में क्या सोचेगा? वो 100% आपके बारे में ये सोचेगा कि या तो आप किसी तरह की कहानी बना के उसको इम्प्रेस करके उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हो, उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, जो पहले से ही इमोशनली अंदर से कहीं ना कहीं आपके साथ ट्रैप्ड फील कर रहा है, और फिर ऊपर से आपने बात भी उसको ऐसी 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 बोल दी जो उसके सर के ऊपर से निकलेंगी, तो फिर उसे आप पागल नहीं लगोगे तो और क्या लगोगे? चलिए आप उसको पागल भी नहीं लगोगे तो 100% वो ये तो समझेगा कि आप उसको किसी ना किसी तरह से जो है ना और कोई चीजें वर्क नहीं की तो आप उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ऐसे आत्मा आत्मा की बातें करके, तो क्योंकि वो तो अभी अनअवेकंड है ना, जागा ही नहीं है ना, इतना वक्त तो बहुत दूर की बात है। ये जो सारी रिसर्च की ये तो आपने की है ना, उसने तो किया ही नहीं कहीं सर्च, उसने तो कहीं कुछ देखा ही नहीं, उसने तो अंदर अपने झांकने की अभी कोशिश भी नहीं की है, वो तो अपने अंदर जो चीजें चल रही है उससे डर के भाग रहा है अभी, उसने अंदर झांकने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो ना, आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, अरे भाई ये मेरे तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा, या पहले तो ये अच्छा भला था ये अब मुझसे भागने की कोशिश क्यों कर रहा है, या अब ये मुझसे दूर 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 जाने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो आप इस केस में आप ऐसा सोच रहे होते हो, जितना आप चेस करते हो ना उतना ही वो रन करता है, वो भागेगा,
क्योंकि वो भाग रहा है आपकी इंटेंसिटी से घबरा के। इस जो कनेक्शन है ना, उसमें जो इंटेंस फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशनल, जो उसका जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, उसको समझ नहीं आता उस चीज़ से कि वो कैसे हैंडल करे, तो वो भागता है उस चीज़ से, घबरा जाता है। उसको लगता है मुझे तो जिंदगी में बहुत कुछ करना ही, मैं कौन से पंगों में पड़ गया, ये कौन से पंगों में पड़ता जा रहा हूँ, तो वो भागेगा इस चीज़ के अंदर। और आप जो हो ना, आप चेजर, आप वो हो जैसे आप पीछे पीछे उसको समझाते हुए भाग रहे हो कि सुनो रुको रुको, बात ये है ना। और वो बोल रहा है कि नहीं, ये ऐसी फालतू बातें मेरे साथ मत करो, मैं घबराता हूँ, मुझे डर लगता है भैया, मुझे, मैं मतलब मैं इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ। तो ये वाला कनेक्शन है। तो फिर आप बताइए, वो आपकी बात को जो है ना सीधे तौर पर बताने से कैसे वो समझ सकता है आपकी बात को 100%? वो नहीं समझेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो एक तो उसकी अवेकनिंग नहीं हुई है, एक तो उसका किसी भी टाइप का, उसका जो है ना, उसने अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं की है, उसने इस कनेक्शन को समझने की कोशिश नहीं की है, वो तो अभी इस कनेक्शन से भागने की कोशिश कर रहा है। उसको लगा था ये कनेक्शन बाकी कनेक्शंस की तरह ही है, कि ठीक है अट्रैक्शन है, सिंपल इन्फैचुएशन है एक तरह का, और फिर उसे लगा कि अरे नहीं, ये तो डीप डाउन कहीं कुछ चल रहा है, और फिर वो घबरा गया, फिर वो भाग गया। तो अभी तो वो तो भागने की कंडीशन में है, और आप चेजर की कंडीशन में हो। जब आप ये चेजिंग बंद करोगे, आप उसको स्टॉक करना बंद करोगे, आप उसको चेज करना बंद करोगे, अननेसेसरी चेजिंग, ये तो हो नहीं सकता कि भक से आपके दिमाग से वो बाहर निकल जाएगा, वो तो कभी भी नहीं होने वाला। अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो वो कभी नहीं होगा। तो जब तक आप अपने इनर वर्क पे स्टार्ट नहीं करोगे ना, आप उसको उन चीज़ों को पॉजिटिव की तरफ नहीं मोड़ोगे, तो अपने आप से निराश होना, आप ये सोचो कि मैं शायद मुझ में कोई कमी है जिससे कि वो मुझसे दूर भाग गया, तो ये आपकी कमी की वजह से आपसे दूर नहीं भागा है, वो आपकी परफेक्शन से या आपकी जो मतलब क्या कहूँ उसे, मतलब आपकी जो सोल है ना, वो इल्यूमिनेट होती है अंदर से। मतलब आप तो देखिए, कोई भी है जो मटेरियलिस्टिक ढंग से चीजों को सोचता है, तो वो बेसिकली इस चीज से घबरा जाएगा, है ना। हम भी तो कहाँ, जब आप किसी के, किसी ऐसे इंसान की उसमें जाते हो, मतलब अगर जो नेगेटिव लोग है ना, वो ज्यादा देर जो है ना ऐसे लोगों से, सॉरी मेरा जो है ना, पता नहीं मैं क्या कहना चाहती थी और क्या मतलब बात को किधर ले गई मैं। तो ऐसा नहीं है, वो नेगेटिव भी नहीं है आपके लिए, कनेक्शन तो उसे भी फील होता है, बट द थिंग इज कि वो उससे जो है ना घबरा रहा है, क्योंकि उसको कुछ 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 अचीव करना है लाइफ में, और वो उसको लग रहा है कि आप उसमें जो है ना रुकावट बन सकते हो, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आप रुकावट नहीं हो, आप तो उसको ऊंचा लेके जाने के लिए, आपका जन्म ही जो है ना एक दूसरे को ऊंचा लेके जाने के लिए हुआ है, मतलब हायर सेल्फ की तरफ लेके जाने के लिए हुआ है। तो जो है ना वो तभी अट्रैक्ट होगा जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे। ये मैंने पहले भी बोला था, आप अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो बजाय उसके ऊपर ध्यान देने के। आएगा, उसका ख्याल आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि उसका ख्याल आपको ना आए। तो एक तो वो आपके कहने से इस बात को समझ नहीं पाएगा जब तक कि उसका खुद का अवेकनिंग नहीं होगा। दूसरी बात, वो आपके कॉल करने से, बार बार करने से, और बार बार इस बात को उस तक पहुंचाने की कोशिश करने से, जो क्या है ना, चिढ़ जाएगा, ठीक है। वो ऐसे तो इनर वर्क वो स्टार्ट नहीं करने वाला, ये प्रेरणा जो है ना वो उसको खुद से आएगी, खुद ही वो समझेगा, क्योंकि फिजिकली आप लोग दूर हैं, लेकिन स्पिरिचुअली तो आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये नॉलेज उसको जब भी वो आपको फेस करता है, या जब भी वो आपके उस ऑरा में आता है ना, तो उसको भी ये चीज जो है ना बिल्कुल एकदम से फील हो जाती है। लेकिन फिर वो क्या करता है ना, क्योंकि उसके अभी गहराइयों में दबी हुई है, अभी उसकी जो है ना ऊपर नहीं आई है, तो वो उस चीज को ना समझने की
क्योंकि बहुत सारी कंडीशनिंग होती है, बहुत सारी तरह की कंडीशनिंग होती है, समाज हमें कुछ समझाता है जीवन के बारे में, हम खुद कुछ समझते हैं, ये जो जहाँ पे इंसान बर्थ लेता है, जिस एटमोसफियर में वो पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर जिस स्कूल में जाता है, वहाँ बहुत सारी कंडीशनिंग होती है ना इंसान की, उस हिसाब से जो वो है ना वैसे पैरामीटर्स उसने सेट किए होते हैं कि लाइफ क्या है और सही और गलत के जो पैमाने होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो करने वाला भी है। तो आप ये तो भूल जाइए कि आपके बताने से वो जो है ना इस बात को समझ पाएगा। तो अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, ठीक है? तो एक तो उसे स्टॉक करना बंद करें, उसे पीछा करना बंद करें, ठीक है? एक इस रिलेशनशिप को कॉम्प्लेक्स समझ के दुखी होना बंद करें। कि देखिए ये बहुत, ये तो एक ना ब्लेसिंग है कि हम लोग मतलब आप ट्विन है, ठीक है? इसका मतलब ईश्वर ने आपको चुना है, तो इससे तो आपको घबराना या दुखी होना नहीं चाहिए। ये आपकी जो है ना, भगवान हमें परीक्षा में इसलिए डालता है ना क्योंकि वो चाहता है कि हम ना और निखर के निकले, ठीक है? तो मतलब ईश्वर ये चाहता है ना कि हम जो है ना, हम मतलब निखर के ना बाहर आए, हमारा जो जितना कष्ट होगा ना, क्योंकि ये देखिए ट्विन फ्लेम्स का ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है कि उनको ना, उनका ना बचपन जो होता है ना बहुत ज्यादा ना उतार चढ़ाव भरा होता है, मतलब बहुत ज्यादा क्लेश, गाली गलौज, बहुत ज्यादा गरीबी क्लेश, और जिसको कहते हैं ना बहुत डिसफंक्शनल फैमिलीज से आते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा जो उनकी फैमिलीज होती है ना बहुत ज्यादा वहाँ अच्छे नहीं होते रिलेशंस उनको, मतलब बचपन से बहुत अच्छा हैप्पी हैप्पी फैमिली वाला जो है ना वो एटमोसफियर उनको कभी भी नहीं मिलता है। ये इनका ना सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन होता है। तो उनकी कंडीशनिंग वैसी हुई होती है कि उनको लगता है कि मटेरियलिस्टिक चीजों को जब वो जुटा लेंगे ना तो उनका जीवन जो है ना वो पूरी तरह से सुखी हो जाएगा। तो ये ना उसको अपने आप से समझ आएगा, उसको खुद उस चीज पे वर्क करना होगा, ये आपके समझाने से उसको समझ नहीं आएगी ये चीज। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाएंगे तो वो रिलैक्स हो जाएगा, वो रिलैक्स होगा तो वो आपके पास आएगा, क्योंकि वो आप शांत नहीं हो तो वो आपके पास आता है, और आपका जो तो एक होता है ना हाइपर हो गया, आप मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, अरे ये वो घबरा के उतना ही दूर भाग जाता है आपसे। जब आप रिलैक्स होगे तो वो आपके पास आएगा, क्योंकि वो रिलैक्स होगा, आप रिलैक्स, वो आपकी आत्मा है ना, तो आप रिलैक्स होगे ना तो वो रिलैक्स होगा, और वो रिलैक्स होगा तो वो आपके उतना ही पास आएगा या आने की कोशिश करेगा। तो ये पूछा गया था सवाल, और उसका आई थिंक अगर इस वीडियो में उनको जवाब मिल गया तो, क्योंकि मोस्टली गर्ल्स होती है ना पूछने वाली, तो मैं नाम मेंशन नहीं करती हूँ इसके अंदर। जिन्होंने भी ये पूछा था कि कैसे बताऊं या कैसे समझाएं या उसको कैसे पता लगे, डीएम को कैसे पता लगे, तो आई होप कि ये उनको सवाल क्लियर हो गया होगा। और अदरवाइज आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहिए तो आपको आगे जो है ना ये अनफोल्ड होती रहेंगी चीजें। ये तो बहुत जो है ना लेयर्स है, वन बाय वन हटना इनको, और ये जो ना निकलती जाएंगी चीजें और कहीं ना कहीं जो है ना आपसे रेजोनेट होने लग जाएंगी, अगर आप इस सच में इस कनेक्शन में हो तो। वही वीडियो लंबा। ओके बाय फ्रेंड्स।